बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पाइसी यम्मी से कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी, यहाँ पर मैंने दे दिया है 1/2 kg बीफ का कीमा है ये, और उसको मैंने धो के निचोड़ लिया है अच्छी तरह। अब इसके अंदर जाएगा क्या क्या जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसको इस तरह से मैंने काट लिया है, थोड़ा मोटा मोटा काटा है क्योंकि इसको हमने चॉप करना है, तो चॉपर में ये चॉप हो जाएगा। अच्छा जी, हमने अब इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है और 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ली हैं, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, क्रश्ड ये लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं आपको ये मसाले दिखा देती हूँ। इसके अंदर मैंने लिया है गरम मसाला 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, और 1 टीस्पून तकरीबन मैंने लिया है ये सूखा धनिया पाउडर, और ये 1 पिंच जो आपको नज़र आ रहा है ये तो मीठा सोडा, ये मैंने 1 पिंच लिया है। और अब हम ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये एक ब्रेड का स्लाइस मैंने ले लिया, इसको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे ये कोफ्ते सॉफ्ट हो जाते हैं, और मीठा सोडा भी मैंने इसलिए डाला है उससे भी कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा जी, अब इस सारे मटेरियल को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो गया है, देखें कितना फाइन सा ये चॉप हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा ले लेंगे ऑयल 1 प्याली में, और इससे हम अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, और हमने छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी हैं, जितने हमें कोफ्ता चाहिए उतने साइज़ की बॉल्स बना लेंगे। जी, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से इतने ही क्वांटिटी में आपने कीमा लेना है और इस तरह इसकी बॉल्स बना लेनी है, इन्हें कोफ्ते, और ये देखें ये कोफ्ते रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर अब हमने ऑयल ऐड कर देना है, चूल्हा जला रही हूँ, और तो तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म हो गया है, जो हमने कोफ्ते बनाए हुए हैं आप देख सकते हैं, हम डाल देंगे। जी, तो कोफ्तों को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इनको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट ही फ्राई करेंगे क्योंकि हमने इसको दम के अंदर कुक करना है। अच्छा जी, कोफ्तों को आपने फ़ौरन से ही पलट लेना है, यानी ये हल्का सा बस आधा मिनट के अंदर ये सूरत हाल हो जाएगी कोफ्तों की जो आपको नज़र आ रही है, तो आपने इसको पलट लेना है ताकि ये जले ना, और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है इसको। तो जी, यहाँ पर ये हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, तो चलें आए अब हम मसाला बनाते हैं। जी, तो तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल ऐड कर दिया इसके अंदर, और अब मैं 3 बड़े साइज़ के प्याज जिनको मैंने काट लिया हुआ है ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इनको हम लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, तो ये देखें प्याज हो गए हैं गोल्डन। अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून। जी, पेस्ट ऐड करके हम इसको दोबारा से अच्छे से फ्राई कर देंगे कि हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड किया है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं उनको मैंने इस तरह से काट लिया हुआ है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और हम अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और उनका पानी खुश्क हो जाए। जी, तो यहाँ पर हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ऑयल आ गया है सामने। तो अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी, ये 1 प्याली दही है, फेंटा हुआ दही है ये, तकरीबन 250 ग्राम्स,
तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अब हम दही को इसके अंदर अच्छी तरह से पकाएंगे और दही का भी जो हम पानी है वो ड्राई करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स की जो भुनाई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो अगर अच्छे से सब कुछ भुना होगा तो ही खाना अच्छा बनेगा। तो जी अब मैं होममेड बिरयानी मसाला, ये मेरे पास है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि 1 kg राइस मैं बना रही हूँ तो उसके लिए जो मेरी क्वांटिटी है वो 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाले की है। बिरयानी मसाला बहुत अच्छी तरह से मैंने भून लिया है और सारे मसाले यकजान हो गए हैं, तो अब हम इसमें अपने फ्राइड कोफ्ते हैं वो ऐड कर लेते हैं। और थोड़ी देर के लिए हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इन कोफ्तों के साथ मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इन सब चीज़ों का जो टेस्ट है वो आपस में मिक्स हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मसाला रेडी हो गया हमारा बिल्कुल। अब चलते हैं चावलों की तरफ और चावल बॉईल कर लेते हैं। 1 kg राइस बॉईल करने हैं तो तकरीबन मैंने ये 1.5 लीटर पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप हंस पर जायका ऐड कर सकते हैं। 4 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक के। अच्छा जी, इसके साथ मैंने 1 तेज़पात और छोटा वादियान के फूल का एक टुकड़ा और 7 से 8 लौंगे हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको मैंने बॉईल होने रख दिया। तो जी पानी बॉईल होने लगा, अब मैं इसके अंदर भीगे हुए बासमती राइस अच्छी तरह से धो के आपने 20 मिनट के लिए कम से कम भिगोना है, तो ये मैं राइस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको हम 1 कन्नी बॉईल कर लेंगे, यानी कि हम इसको 85% कुक कर लेंगे। जी तो ये आप देख सकते हैं चावल हो गए हैं कुक, अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। उसी देखचे को मैंने फिर से चूल्हे पे रख दिया लो फ्लेम पे। अब मैं इसके अंदर जो हमने ये मसाला बनाया हुआ था कोफ्ता वाला ये डालूंगी। इसमें इवनली स्प्रेड कर दूंगी। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर पुदीने के पत्ते, थोड़े से धनिया के पत्ते और 1-2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर चावलों की लेयर लगा दूंगी। चावलों में से मैंने अच्छी तरह से पानी स्ट्रेन कर लिया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की लेयर लगाने के बाद अगेन इस पर मैं पुदीने और धनिया की गार्निशिंग कर दूंगी, यानी कि दम के लिए धनिया और पुदीना डाल दूंगी। थोड़ा सा इस पर मैंने फूड कलर ऐड कर दिया। अब मैं ढक्कन को रुमाल से अच्छी तरह लपेट के इसको दम लगा दूंगी। बहुत अच्छे तरीके से दम आ गया, चले आप इसको डिश आउट करते हैं। जी तो हमारी ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटपटी सी कोफ्ता बिरयानी रेडी हो गई है और आप इसको रायते के साथ, सैलड के साथ खाएं और इन्जॉय करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।